तो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्नोलिक टीवी। तो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर है वीवो के जो फैंस हैं उनके लिए। यहाँ पर दोस्तों वीवो की अपकमिंग न्यू सीरीज है दोस्तों वीवो G1। यहाँ पर उसके कई सारे फोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और फाइनली दोस्तों जो G1 है उसके स्पेक हैं वो यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। देखने में कैसा है फ़ोन वो भी दोस्तों सामने आ चुका है। क्या प्राइसिंग रहेगी, कब तक लॉन्च होगा दोस्तों, सब चीज़ें यहाँ पर हैं क्योंकि दोस्तों ये चाइना में टेना सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये आने वाला है। अब अगर हम थोड़ी सी पास्ट में जाएँ तो वीवो यार पहले ऑफलाइन सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ोन लाता था और अभी भी दोस्तों लाता है और काफ़ी ज़्यादा सेल भी करता है दोस्तों। शॉप के अंदर आपको ज़्यादातर वीवो और ओप्पो के फ़ोन ही देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्राइस सेगमेंट में फ़ोन लेने जाएं तो। लेकिन फिलहाल अगर हम ऑनलाइन सेंट्रिक मार्केट की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों वीवो ने कई अपने अच्छे फ़ोन लॉन्च किए, जैसा कि वीवो का Z1 Pro आपने देखा था वो भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन था, वीवो का Z1 X आपने देखा था वो भी अच्छा था, और साथ में फ्लैगशिप के लिए वीवो की जो सब ब्रांड है वीवो IQ00, वहाँ भी दोस्तों काफ़ी अच्छे फ़ोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं और एक तो दोस्तों अभी आपको मिल भी गया है IQ3। तो ओवरऑल कहें तो वीवो की जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पर क्या मिलने वाला है दोस्तों इस फ़ोन में, तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों अब बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पर बात कर ले तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में वीवो मुझे हमेशा से यार सही लगता है क्योंकि जो इसके डिज़ाइन होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों देखने में इनके कोई भी स्मार्टफोन की आप बात करें। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको एक राउंड हाउसिंग के रूप में कैमरा यहाँ पर बैक में देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक कलर में दोस्तों इसकी फोटो है दोस्तों, इसके रेंडर्स हैं वो बाहर आए हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे दोस्तों G1 आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिख जाएगा। साथ में क्वाड कैमरा सेटअप है दोस्तों, LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी, ग्लास की बैक आपको बैक साइड में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कहें तो बिल्ड क्वालिटी आपको पॉलीगा अपडेट देखने को नहीं मिल रही है, ग्लास आपको इस फोन में यार देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा डिस्प्ले की तरफ बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 6.44 इंच की आपको फुल HD प्लस का OLED पैनल यहां पर देखने को मिलने वाला है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो कोई चिंता की बात दोस्तों यहां पर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर बैक में देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा, साथ में 2+2 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ और मैक्रो यहां पर देखने को मिलेंगे। सेल्फी सेंटर की स्मार्टफोन दोस्तों ये रहने वाला है, 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाएगी एपर्चर 2.0 के साथ। तो ओवरऑल कहें तो कैमरा इस फोन के काफी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों बात आती है जो खास है दोस्तों वो है चिपसेट की, परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सोनस का चिपसेट अब की बार देखने को मिलेगा वीवो के फ़ोन में, एक्सोनस के 980 के साथ दोस्तों ये आने वाला है। अब एक्सोनस का 980 है वो 2019 में दोस्तों लॉन्च हुआ था, 5G दोस्तों चिपसेट है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से। अगर बात करें दोस्तों ये कम्पीट किससे करता है तो ओबियसली दोस्तों हम कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 765G है उसका दोस्तों ये कंपटीटर है, और GPU के मामले में दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर बोल दूँ थोड़ा सा दोस्तों ये वीक होगा इन कंपेरिजन 765G के। तो ओवरऑल ये है दोस्तों इस चिपसेट के बारे में, बाकी इसकी दोस्तों और डिटेल में वीडियो एक्सप्लेन में बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों खास चीज़ है इसका बैटरी डिपार्टमेंट भी, क्योंकि यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, तो बैटरी काफ़ी बढ़िया दोस्तों OLED पैनल के हिसाब से और चिपसेट के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों टाइप सी का पोर्ट आपको मिलता ही है यहाँ पर, और साथ में 18W की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। तो फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से थोड़ी सी और इम्प्रूव यार ये कर सकते थे क्योंकि अब इस प्राइस सेगमेंट में जिसमें ये आने वाला है बहुत सारे फ़ोन आपको अच्छी चार्जिंग स्पीड के साथ देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्राइस क्या रहने वाली है इस फ़ोन की या क्या निकल कर आई है, तो इसकी प्राइस दोस्तों निकल कर आई है यहाँ पर लगभग $425 के आसपास। अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 30,000 के आसपास ये फ़ोन दोस्तों उम्मीद है कि इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो प्राइसिंग दोस्तों मुझे लग रही है कि थोड़ी सी ज़्यादा है इस फ़ोन की, अगर ये 25,000 से अंडर में अगर आएगा डेफिनेटली ये फ़ोन यार काफ़ी लोग इसको परचेज़ करेंगे क्योंकि एक अच्छा ब्रांड है वीवो और बहुत सारे लोग इसका फ़ोन लेना यार बिल्कुल पसंद करते हैं इंडिया में तो खासकर। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट हो चुका है ये फ़ोन, अगर हम बात करें लॉन्च डेट की तो मई के मंथ में दोस्तों ये चाइना में डेफिनेटली जाने वाला है, और जैसे ही यार ये चाइना में जाएगा उसके दोस्तों थोड़े दिन बाद ये इंडिया में आने वाला है क्योंकि वीवो की न्यू सीरीज है, डेफिनेटली आपको कई सारे फ़ोन इस सीरीज में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये थी यार वीडियो, आप मुझे बताना कि क्या आप इस स्मार्टफोन का वेट करोगे इंडिया में, अगर ये 30,000 की प्राइसिंग में आता है तो ये आपके हिसाब से इस फ़ोन की जो ऑनेस्ट प्राइसिंग है वो क्या होनी चाहिए, तो नीचे यार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।